वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का ये मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें अगस्त महीने की पूरी करंट अफेयर्स होगी। लगभग 168 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो टॉप 160 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस होगा। और इन सभी क्वेश्चन के लिए PDF फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको हमारा PDF फाइल अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का मिल जाएगा। ये गूगल प्ले पर हमारा एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है, और इसका जो लिंक है डायरेक्ट वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है, जहाँ से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं, EDUJOSH के नाम से एंड्रॉयड ऐप आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको क्विज और PDF के सेक्शन में जाना है। वहाँ पर आपको PDF के अंदर आपको करंट अफेयर्स सेलेक्ट करना है, और वहाँ ऑप्शन आ जाएगा सबसे ऊपर ये लेटेस्ट वीडियो का PDF। ठीक है, जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उससे पहले आपसे, अगर आप लोग जनवरी से लेकर के जुलाई तक का करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो उसका PDF आ चुका है। 1000 से भी ज़्यादा उसमें जो मोस्ट वांटेड प्रश्न है उनका संग्रह किया गया है। तो जनवरी से जुलाई तक का ये वन लाइनर, और इसके साथ में कई सारे जो PDF हैं वो एक्स्ट्रा जो उसके अंदर में है वो फ्री दिया गया है। तो इस PDF को आप लोग 49 रुपीज़ में बाई कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, आने वाले रेलवे, SSC, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT इनके द्वारा चेतावनी जारी करने से चर्चा में रहे ब्लैक रॉक क्या है? बीते कुछ दिन पहले जो है ये ब्लैक रॉक चर्चा में रहा। तो ब्लैक रॉक है क्या? एंड्रॉइड मॉलवेयर है, जिस तरह से आपने नाम सुना होगा एंटीवायरस वायरस, तो इस तरह से वायरस के लिए एंटीवायरस होता है, तो मॉलवेयर के लिए एंटी मॉलवेयर होता है, वो एक अलग सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरह से जिस तरह से वायरस होता है कंप्यूटर को खराब करने के लिए, उसी तरह से मॉलवेयर भी है। तो ये एंड्रॉइड मॉलवेयर है, ब्लैक रॉक इसका नाम है, जो कि बैंकिंग और गोपनीय डेटा को फोन से चुरा लेता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? आंसर होगा इसका रूस। हाल ही में यूरोपीय संघ के द्वारा साइबर हमलों के कारण किस देश के खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो आंसर होगा रूस। रूस की एजेंसी है GRU, जो कि रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए किन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इन दो लोगों को, दो लोगों नहीं, आप यहाँ पर कह सकते हैं एक संस्था है और एक व्यक्ति है, दीपंकर घोष, और दूसरा है पत्रकारिता वेबसाइट पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, इसको शॉर्ट में कहेंगे परी। तो परी और दीपंकर घोष को दिया गया है। इसके बाद है, हाल ही में किस देश के द्वारा अमेरिकी GPS के समतुल्य, यानी अमेरिका के GPS के जैसा ही उसने खुद का अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम जो है लॉन्च किया है, बेईदो उसका नाम है। तो आंसर होगा चीन। चीन का GPS सिस्टम का नाम क्या होगा जिसने उसने लॉन्च किया है? ये बिल्कुल अमेरिका के GPS सिस्टम के जैसा है, तो आंसर होगा बेईदो। इसको भी याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणितीय क्षमता में माहिर किस व्यक्तित्व को मरणोपरांत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र दिया गया है? आंसर होगा शकुंतला देवी। OBC कोटा पर गठित संसदीय समिति ने क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी करने की सिफारिश की है? 15 लाख रुपए। और इस समिति के अध्यक्ष कौन है, इसको भी याद रखिए, गणेश सिंह। इसके बाद है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है जनजातीय कार्य मंत्रालय को, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए ये अवार्ड दिया गया है। राज्यसभा सांसद और पूर्व नेता अमर सिंह का निधन हो गया, वो किस पार्टी से संबंधित थे? तो आंसर होगा समाजवादी पार्टी। उसके बाद है, Formula 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 ने को किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के निजीकरण की सलाह दी गई है? तो ये तीन बैंक आपको याद रखना है, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नीति आयोग ने इसके जो है निजीकरण की सलाह दी है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बनने की उपलब्धि पुनः हासिल की है? आंसर होगा एप्पल। देखिए, सबसे अमीर व्यक्ति और कंपनी में फर्क होता है। सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो जेफ बेजोस है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के CEO हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में मलेशिया के द्वारा चीन के क्षेत्रीय दावे को खारिज करने से चर्चा में रहे 9-लाइन किस भौगोलिक भूभाग से संबंधित है? दक्षिण चीन सागर से संबंधित है ये 9-लाइन। सरकार के द्वारा किस योजना के तहत 23 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर दिया गया है? तो आंसर होगा डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकरण कार्यक्रम, जिसको DILRMP कहेंगे। हाल ही में भारत एयर फाइबर सेवा कहाँ पर शुरू की गई? महाराष्ट्र, जो कि BSNL के द्वारा शुरू की गई। इसके बाद है, हाल ही में किस गैर लाभकारी संगठन के द्वारा वर्चुअल गाला टेक्नोलॉजी फॉर चेंज कार्यक्रम के माध्यम से भारत में स्कूली बच्चों के मिड डे मील के लिए $9,50,000 जुटाया गया है? तो उस संस्था का नाम बताना है, अक्षय पात्र संगठन है, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो आंसर होगा चिनाब नदी। पूछा जाएगा कि कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर के अंदर रियासी जिला है, वहाँ पर इसका निर्माण हो रहा है चिनाब नदी के ऊपर। 50 साल से कम उम्र के राजनीतिज्ञों के साक्षात्कार पर आधारित, यानी इंटरव्यू पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विथ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर। काफ़ी बड़ी बुक है, लेकिन आप इसको आसानी से याद रखिए, इंटरव्यू पर आधारित है, तो इंडिया टुमारो इसका नाम है, कन्वर्सेशन विथ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर। ये किसने लिखी है? दो व्यक्ति ने मिलकर लिखी है, प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा नया नक्शा जारी कर भारत के किन क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर और गुजरात के अंदर आने वाला जूनागढ़। देखिए, जूनागढ़ से कई लोग कंफ्यूज हुए कि ये राजस्थान में है, तो देखिए राजस्थान का जूनागढ़ अलग है, गुजरात में भी एक जूनागढ़ है। यहाँ पर इस प्रश्न में गुजरात के जूनागढ़ को यहाँ पर आपको याद रखना है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ट्विटर और गूगल के विकल्प माने जाने वाले किन ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो एक है वीबो और दूसरा है बैदू सर्च, इन दोनों को प्रतिबंधित किया गया है। हाल ही में विमोचित स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के संपादक कौन है? तो स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के संपादन है श्री परमेश्वरन अय्यर। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में लोगों को सक्षम बनाने के लिए परिवार पहचान पत्र पहल को शुरू किया गया है? परिवार पहचान पत्र को हरियाणा सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में किस रासायनिक पदार्थ के कारण विस्फोट हुआ? तो अमोनियम नाइट्रेट। इसके बाद है, हाल ही में जारी हुई फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किन कंपनियों को दुनिया के शीर्ष ब्रांड के रूप में रैंकिंग मिली है? तो नंबर 1 पर एप्पल, दूसरे नंबर पर रिलायंस, तीसरे नंबर पर सैमसंग। इसके बाद है, गोधन न्याय योजना का संचालन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। और ये कहाँ पर बनना है? अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र इसका नाम है, जगह अबू धाबी है UAE के अंदर, वहाँ पर बराक परमाणु संयंत्र के नाम से इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किसने किया है? तो आंसर होगा नीतीश कुमार। देखिए, पुस्तक और लेखक, इस पर हमने लेटेस्ट वीडियो उपलब्ध करा दी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर आपको एक वीडियो दिखेगी, उस वीडियो को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक ने नए CEO कौन होंगे? HDFC बैंक के नए CEO होंगे अक्टूबर 2020 से शशिधरन जगदीशन। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया? मनोज सिन्हा इसका आंसर होगा। देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन बनाए गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये देश के 14वें CAG हैं। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और हाल ही में आयोजित हुई स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में किस संस्थान ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी DIAT ने, जो कि DRDO का स्वायत्त संगठन है। कोरोना से संबंधित सभी जानकारी के लिए बिहार सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है संजीवन। सेबी के अध्यक्ष के तौर पर अजय त्यागी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो कितने महीने? 18 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर होगा पीयूष गोयल ने, जो कि महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक इसको शुरू किया गया है।
ठीक है। इसके बाद है गुयाना के प्रधानमंत्री कौन बने, मार्क एंथनी फिलिप्स। और प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य संबंधी किस मिशन को लॉन्च किया है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, 15 अगस्त 2020 को लाल किले पर कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो ये क्रम आपको याद रखना है 74th यानी 74वां। पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है, 4 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में जाता दिख रहा है, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग, ठीक है, माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है, तो आंसर होगा इंडोनेशिया। इसके बाद यहाँ पर है, सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो चुकी है, तो आंसर होगा पाकिस्तान। इसके बाद है, हाल ही में किस देश ने COVID-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है, तो ये भारत ने दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से यूएई और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है, तो आंसर होगा इजराइल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है, प्रशांत भूषण। इसके बाद है, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके बाद है, किस देश ने हाल ही में उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है, तो आंसर होगा इजराइल। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है, तो आंसर होगा अमृत योजना। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो ये योजना लागू की गई अमृत, इस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो इस रैंकिंग में सबसे पहले ओडिशा रहा और ओडिशा जो है 85.67% के साथ स्कोर में नंबर 1 पर रहा। भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में एच ए एल के द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किया है, तो आंसर होगा 2। विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है, 13 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसके बाद है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के अकादमी का शुभारंभ किया है, जल शक्ति मंत्रालय ने। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है, तो आंसर होगा कमला हैरिस। हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक V वैक्सीन का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है, आंसर होगा रूस। इसके बाद है, किस राज्य ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR च्योता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश ने। और हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदाय को सहायता देने की घोषणा की है, तो संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूनाइटेड नेशन ने। इसके बाद है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है, आंसर होगा असम। दिल्ली सरकार ने शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी, तो आंसर होगा 20 हजार। इसके बाद है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में किस अभिनेता को शामिल किया गया जो मात्र भारतीय है, आंसर होगा अक्षय कुमार। एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको शामिल किया गया है उसमें टॉप 10 की लिस्ट में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को इलाज के दौरान निधन हुआ, आंसर होगा राहत इंदौरी। किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्ष लॉन्च किया गया है, आंसर होगा हाथी। उसके बाद विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है, तो हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया गया है। विदेश मंत्रालय ने के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया, प्रमोद भसीन को। भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है, प्रोजेक्ट चीता। इसके बाद है, विश्व जैविक ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है, 10 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक
ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है, तो इसमें लागत होगी 10,000 करोड़ रुपए की। इसके बाद है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? आंसर होगा सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री जो है वो प्रतिबंधित होनी चाहिए। तो ये जो रेंज बताई गई है 50 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, यानी यूपीएससी का चेयरमैन जो है किसे बनाया गया? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। हाल ही में किस राज्य सरकार के ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितने लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण की सुविधा को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए। श्रीलंका में किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? महिंद्रा राजपक्षे। और केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसमें 101 आंसर होगा। आईसीसी ने 2021 T20 विश्व कप मेजबानी किस देश को सौंपी है? आंसर होगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? आंसर होगा दिल्ली। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू किया है? एचएसबीसी इंडिया ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को दूर करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर होगा इजराइल। और स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले के जो भारतीय क्रिकेटर हैं उनमें से उनको किसको किस भारतीय क्रिकेटर को 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। ओकले क्या है? एक स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है और इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है 2 साल के लिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर लगातार चौथी बार इसको घोषित किया गया है। ठीक है, 2017 से लेकर के 2020 तक ये लगातार चौथी बार जो है ये घोषित हुआ है। और सबसे पहले जब स्वच्छ सर्वेक्षण आया था 2016 में, तब कौन था? मैसूर था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा दिल्ली। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कोरमो जॉब्स। इसके बाद है, ड्रीम इलेवन ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदा है? 222 करोड़ रुपए में। यानी अब आईपीएल 2020 में जो स्पॉन्सर होगा वो कौन होगा? वो होगा अब ड्रीम इलेवन। इससे पहले कौन होता था? वीवो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? तो आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। इसके बाद क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से संबंधित किस गेम को लॉन्च किया है? आंसर होगा द कोरोना फाइटर्स। इसके बाद है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज हैशटैग आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान किसने लॉन्च किया है? तो रविशंकर प्रसाद ने, जो कि भारत के केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की गई है? तो ये हुई है नेपाल। और उसके बाद है, विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बैट्समैन की सूची में किस स्थान पर है टेस्ट में? तो ये दूसरे नंबर पर है। किस राज्य ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में बाधबुध परियोजना को के लिए अनुबंध प्रदान किया है? तो आंसर होगा गुजरात।
विश्व मानवता दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे किस दिन मनाया गया है? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया गया है। विश्व फोटोग्राफी दिवस भी 19 अगस्त को ही मनाई गई है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश की सहायता कर रहा है? तो आंसर होगा नेपाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा था? तो आंसर होगा रोहित शर्मा, जिनको यह अवार्ड 29 अगस्त को मिल चुका है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए के फाइनेंस करने की मंजूरी दी है? 7500 करोड़ रुपये। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो GP गर्ग को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सत्यपाल मलिक को। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ये किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो गोवा। और भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? आंसर होगा मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है? मंडुआ डी रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, वाराणसी के पास। और सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किसको किया गया है? राकेश अस्थाना को। किस देश ने बांग्लादेश का तीस्ता नदी परियोजना के लिए $1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा हरभजन सिंह। आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? नाम से ही पता लगता है आयुष, तो यहाँ पर आयुष मंत्रालय होगा। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो आंसर होगा सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। इसके बाद है, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये OSOWOG योजना की घोषणा किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए किस ऐप का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा सखी ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जिसको हिंदी में पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर टैक्स पेयर चार्टर लागू करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश है। नंबर वन पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और चौथा देश भारत बन गया है। भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? रॉनी ओसुलिवान ने। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी भाटिया को। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक किसके किसने लिखी है? तो आंसर होगा चेतन भगत। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी ने। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? आंसर होगा असम। हु पेंटेड माई लस्ट रेड इस पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अय्यर। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो DRDO के जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है। कितने रुपए तक की सालाना आमदनी पर GST में छूट दी गई है? 40 लाख, जो पहले लिमिट थी 20 लाख, ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर कर्नाटक। इसके बाद है, WHO के अनुसार किस देश के पोलियो मुक्त होने के बाद अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो चुका है? तो आंसर होगा नाइजीरिया। यानी अफ्रीका महाद्वीप में केवल नाइजीरिया ही बच गया था, जिसके कारण से ये अब तक जो है अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित नहीं हुआ था, तो अब ये घोषित हो चुका है, ठीक है। अब दो देश ऐसे रह गए हैं पूरे दुनिया में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिसके जो जो है वर्ल्ड पोल जो कि पोलियो मुक्त घोषित अब तक नहीं हुए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बाकी इसके अलावा जितने भी देश हैं दुनिया में, वो सभी पोलियो मुक्त घोषित हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, WHO के अनुसार पोलियो अब केवल दो देशों में बचा है, वे दो देश कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसने माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? आंसर होगा नीलकंठ भानु प्रकाश, जो कि हैदराबाद के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्सुधार संबंधी सेवा के लिए कौन सी फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो आंसर होगा किरण। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी ईपीआई 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आंसर होगा गुजरात। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा जेफ बेजोस। 204.6 अरब डॉलर इनके पास 26 अगस्त 2020 के अनुसार। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट द्रोणा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जतिन प्रामजे और आनंद वासु ने। क्रिकेट द्रोणा पुस्तक किस व्यक्ति के बारे में लिखी गई पुस्तक है? प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ प्रामजे, या इनका दूसरा नाम, इनको इस नाम से भी जानते हैं, वासु प्रामजे। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट लिया गया है वासु और लास्ट का प्रामजे, बीच वाले को हटा करके ये अलग नाम भी इनको कहा, इन नाम से ये जाने जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया? रोहित शर्मा को। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस हॉकी खिलाड़ी को दिया गया? तो रानी रामपाल को। वो क्रिकेट में था रोहित शर्मा, यहाँ पर याद रखिएगा, ये हॉकी के अंदर। तो अलग अलग खेलों से सवाल पूछे जा सकते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कुश्ती के लिए किसको दिया गया? विनेश फोगाट को। हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? जूड फेलिक्स को। निशानेबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? ये दिया गया जसपाल राणा को। तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया? अतनु दास को। एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया? दुती चंद को। और नेक्स्ट जो यहाँ पर है, क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया? ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, इन दोनों को ही दिया गया है। इसके बाद है निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया? मनु भाकर और सौरभ चौधरी, दोनों को मिला करके। इसके बाद है हॉकी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया? अजीत सिंह को। कबड्डी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया? मनप्रीत सिंह को। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 किसे दी गई? पंजाब विश्वविद्यालय को, जो कि चंडीगढ़ के अंदर है। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? मैरी के लुकास रिजनवेल्ड ने। अगला प्रश्न यहाँ पर, अच्छा इनके उपन्यास का भी नाम आपको याद रखना है जिसकी वजह से इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। तो ये है इनकी उपन्यास है जो कि द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये इनकी पुस्तक का नाम है उपन्यास का। इसके बाद है ब्रिक्स गेम 2021 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया है? तो शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सुश्री सुधा पेनुली को। और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुरुआत किया है? आंसर होगा दिल्ली। किस राज्य सरकार ने समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो आंसर होगा इसका केरल। नाम क्या है इस एम्बुलेंस का? प्रतीक्षा। इसके बाद है T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? ड्वेन ब्रावो। और केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता, तो उसका नाम क्या है? चुनौती। ठीक है, इसके बाद है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। किसके नाम पर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 29 अगस्त को। 2010 में सबसे पहली बार ये मनाया गया था और तब से अब तक मनाया जा रहा है। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। COVID-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल का नाम इसे दिया गया है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के द्वारा आयोजित विश्व शतरंज ऑनलाइन ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में विजेता कौन हुआ? भारत और रूस संयुक्त रूप से हुआ है, क्योंकि इस बार COVID-19 की वजह से जो ऑनलाइन आयोजित किया गया था ये, तो इसलिए इसको याद रखना है आपको कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा आयोजित विश्व शतरंज ऑनलाइन ओलंपियाड, इसके फाइनल मुकाबले में भारत और रूस दोनों ही इसके विजेता घोषित हुए हैं। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। इस योजना के अंदर क्या होगा? राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी, जैसे कि मोहम्मद कैफ वहाँ के खिलाड़ी है, ठीक है, तो उनके घरों तक भी बनाई जाएगी सड़क। तो इस तरह से राज्य के 19 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी, हर खेल से मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट से ही है, तो उन सब के घर पर
घर तक जो है वो पक्की सड़क बनाई जाएगी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो आंसर होगा केरल, और केरल के अंगमाली में इसको स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है भारतीय किसानों और यूएई फूड इंडस्ट्री ने मिलकर कौन सा ई मार्केट प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो आंसर होगा एग्रियोटा। ठीक है, एग्रियोटा इंडिया के किसान और यूएई फूड इंडस्ट्री ने मिलकर लॉन्च किया है। देखिए, आज 31 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। ठीक है, तो बहुत ही दुखद खबर है ये। वे कौन से राष्ट्रपति थे, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो उनका क्रम था 13वां, और भारत में वो 2012 से लेकर 2017 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन आज 31 अगस्त को हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने मंथली करंट अफेयर्स देखा। अगस्त 2020 के टॉप 168 क्वेश्चन, लगभग 167 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हमने देखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत